गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट हिंदी, हमने चैप्टर 1 पत्र एवं डायरी, उसमें दो पत्र लिखे थे। देखे ना हमें पत्र कैसे लिखते, तो उसके बारे में हमने देखा ना। तो हमने पत्र दो लिखे, देख, निमंत्रण पत्र, एक बधाई का पत्र। आज हम तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र, किसी को आश्वासन देना। तो हम वो देखते हैं। खेल महाकुंभ में असफल सखी को आश्वासन पत्र। लेकिन कोई खेल महाकुंभ में कोई हरा हो गया हो तो उसको आश्वासन देना का पत्र लिखते। मातृछाया स्टेशन रोड कालूपुर अहमदाबाद 17 नवंबर 2011, और वो लिखती है अपनी सखी को। प्रिय सखी जागृति सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा, ले उसे तो ऐसे पता नहीं था ना, तो उसे वो बोलती है कि आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्कर फेंक प्रतियोगिता में असफल रही। वो क्या चक्र फेंक, मतलब वो गोला फेंक होता है ना, वो उसके बारे में, उसके प्रतियोगिता में, लेकिन उसमें वो असफल हुई, वो जीत नहीं सकी। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं था। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी, लेकिन सबको आशा थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया। उसे ऐसे आश्वासन देती कि इसमें तुझे निराश होने की कोई बात नहीं, तो इस खेल में तो ऐसा होता ही है। जब तो कुछ होने वाला था हो गया, इसलिए उसका शोक करना नहीं चाहिए, उसे हमें दुख करना नहीं चाहिए, और इस असफलता से निराशा भी नहीं होना चाहिए। असफलता में भी सफलता का सोपान है। कोई बात नहीं, इस बार हमारी कुछ ऐसी गलती हो गई है तो इसलिए हम असफल हुए, हार गए, लेकिन तुझे ऐसे हारना चाहिए नहीं, उसमें भी कुछ अच्छा होगा। ऐसा असफलता नहीं के कारण चरण चूमती है जो अपने देह प्राप्ति के मार्ग को डटे रहते हैं कि नहीं, चलो एक बार हार गए तो हम दूसरी बार हार मारेंगे नहीं, चलो हम उसके लिए कुछ मेहनत करेंगे। अब निराश या अस्तोषा होने के कोई फायदा नहीं हो, कि निराश होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हारे अवश्य सफलता मिलेगी, कि कोई बात नहीं, तुम फिर से मेहनत करो तो दूसरे साल तुझे अच्छी सफलता मिलेगी और तुम्हें जिले में ही नहीं पर गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तो तुम बोलते हैं कि तुम मेरी बात मानोगी और उससे फिर से तुम वो मेहनत करने लगेगी। तुम्हारी सखी अवनी, जिसने नाम लिखा और उसका नाम क्या था, जागृति, अब ये उसका नाम लिखती है कि अवनी। अब नीचे दूसरा पत्र है तो देखते अनुमति, किसी से अनुमति देना, लेना आज्ञा, लेना कोई रजा लेना, ऐसा कुछ अनुमति में। तो प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता से पत्र, अपने पिताजी से कि प्रवास में जाना था तो अनुमति तो दे दी। पिताजी को पूछना तो पड़ेगा उसके बारे में पत्र, तो वो हॉस्टल में लेती होगी और वह प्रवास होगा तो वो लिखती है। जीवन भारती छात्रालय, जो हमारा वो लिखती है, उसका एड्रेस लिखती है पहले। स्टेशन रोड दाहोद 19 सितंबर 2011, और पूज्य पिताजी, पूज्य आदरणीय, ऐसे हम उसको लिख सकते हैं। सादे प्रणाम, प्रणाम करती है वो। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें, बोलते कि आप यहाँ आपकी मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते करते हुए मुझे खुशी होती है
कि आपको जानते हुए जनाते हुए हमारी कक्षा में सब विद्यार्थी अगले महीने 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। मैं भी प्रवास में सम्मिलित होना चाहती हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वाहिदा, खुरमित और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहती हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। वो बोलती है कि हमारी कक्षा में ये कक्षा मतलब कि हमारे क्लास में से प्रवास जाने वाला है कि कौन सा कहाँ जाने वाला है कि इलोरा की गुफा, अजंता और उस बीच में दर्शनीय स्थल भी हो और उसमें सब जाने वाले हैं और हमारे स्कूल में से स्कूल बस रखी गई है। तो उसमें से मेरे सब फ्रेंड मतलब कि मनीष, साहिल, श्रेया, बाजी, वाहिदा, गुरमीत सब जाने वाले हैं। तो मुझे भी जाना है, आप अनुमति दो तो। और आप मुझे उसके लिए कितने पैसे 800 रुपये मनी ऑर्डर लेके मनी ऑर्डर ट्रांसफ़र करें और मनी ऑर्डर से मुझे भेज दे तो कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार मतलब कि उसकी छोटी बहनों के जिससे बोला है और आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। अभी उसके पिता को लिखता है, वो उसका नाम क्या था? रमेश। और देखते हैं नीचे अब छुट्टी प्रार्थना पत्र है। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र जो हम रजा चिट्ठी लिखते हैं ना वो ईसाई फलिया भावनागर और 23 फरवरी 2011 सेवा में श्री आचार्य साहेब महोदय हम ऐसे बोलते हैं ना डी ये सार्वजनिक विद्यालय भावनगर और जो हमारे स्कूल का नाम लिखना है और वो अहमदाबाद हो भावनगर बड़ौदा जो लिखना हो जो आप जहाँ स्कूल में पढ़ते हो वो। आदरणीय सुगुरुदेव सविनय निवेदन के है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चय की गई है। तो हमें स्कूल में से रजा चिट्ठी लेके ऐसे प्रार्थना पत्र के रजा लेनी हो तो ऐसे पत्र लिखना पड़ता है। उसका एक लौका भाई हूँ। हम लोगों को यह शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं हुए। फलत मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। वो बोलता है कि मेरी बहन की शादी है तो मुझे 4 दिन 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो प्लीज़ मुझे छुट्टी। आपको भी पता होगा कि शादी और मैं इकलौता भाई हूँ, शादी में कैसी घूम मची है, मुझे भी घर रहना होगा। साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे भी अवकाश प्रदान करें लेकिन मुझे भी छुट्टी दे जाए, इसलिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल क्रमांक लेके जो हमारा रोल नंबर होता है वो 25 और वर्ग 8 क्लास 7 क्लास जो आप क्लास में पढ़ते हो वो। और इसमें इकलौता है लेके अकेला और सफल लेके परिणत घूम लेके धूमधाम धूम लेके धूमधाम होती है ना अवकाश लेके छुट्टी अवकाश देना है लेकिन कैसे छुट्टी देना। तो स्टूडेंट हमने आज यहाँ तक पढ़ा पेज नंबर 4 तक। तो उसका आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।